दोस्तों, अगर आपने एक नया चैनल बनाया है और उस चैनल पर आपने थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड किया है, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो अपलोड करने से नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों YouTube का जो रूल है, YouTube का जो एनालिटिक्स है, ये आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो अपलोड करने से आपका वीडियो पर कभी भी व्यूज़ नहीं आते हैं। दोस्तों वीडियो अपलोड करने का एक सही समय होता है, तो दोस्तों ये समय आपको कैसे पता करना है कि इस समय पर वीडियो अपलोड करने के बाद आपका वीडियो पर ज़्यादातर व्यूज़ आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये एनालिटिक्स आपको देखना होता है कि आपका जो चैनल है, इस चैनल पर किस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज़ आपको मिल सकता है। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप एक नया क्रिएटर्स है और आपने आपका चैनल पर थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड किया है, लेकिन दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइम पर YouTube पर वीडियो अपलोड करना सही समय होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने 1000 वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो अपलोड करने का जो सही समय है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सवाल करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक नया सवाल किया है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही समय क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समय होता है। दोस्तों जो सही समय है, सही समय पर अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, आपका मनमानी से जब तक आप वीडियो अपलोड करते हो, तो आपका वीडियो पर कभी भी व्यूज़ नहीं आएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको एनालिटिक्स करना होता है। दोस्तों एक YouTube चैनल पर एक YouTube स्टूडियो होता है, और YouTube स्टूडियो जो है, इसके अंदर YouTube ने सारा कुछ बता देता है कि आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप ये चीज़ आपको पता नहीं कि किस टाइम पर वीडियो अपलोड करना है एक नया चैनल पर, तब आप सालों से सालों तक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपका जो वीडियो है, वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों एक नया चैनल पर वीडियो अपलोड करने का एक सही समय होता है। लेकिन दोस्तों जो चैनल ऑलरेडी मोनेटाइजेशन हुआ है, उस चैनल पर डायरेक्टली टाइम बता देता है कि इस टाइम पर आपका चैनल पर व्यूज़ आता है। लेकिन दोस्तों जो चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, उस चैनल पर ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि इस टाइम पर आप वीडियो अपलोड कीजिए, उसके बाद आपका वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। तो दोस्तों आपको कैसे पता करना है कि दोस्तों लाइक आपका चैनल बिल्कुल नया है, आपने 10-15 वीडियो अपलोड किया है या 30-40 वीडियो अपलोड किया है, उसके बावजूद आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो चैनल है, इस चैनल का वीडियो अपलोड करने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों सही समय पता करने के लिए इस वीडियो पर लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइम पर वीडियो अपलोड करना आपके लिए सही समय होता है। तो दोस्तों चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही टाइम पता करने के लिए आपको सबसे पहले YT स्टूडियो जो है ओपन करना होता है। तो चलिए यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट और ऑडियंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकंड जो ऑप्शन है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो चैनल है, ये ऑलरेडी मोनेटाइजेशन है, और इसलिए यहाँ पर कम्प्लीटली टाइम बताया जा रहा है कि इस टाइम पर आप वीडियो अपलोड करने से आपका वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम भी आप देख सकता है, सबसे फर्स्ट जो टाइम दिया गया है यहाँ पर 11:59 PM यानी कि रात 12 बजे अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे। सेकंड जो टाइम दिया गया है यहाँ पर देखिए 5:59 AM यानी कि सुबह अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 6 बजे, तो आपका वीडियो पर थोड़ा बहुत व्यूज़ मिलता है। और थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 11:59 AM यानी कि अगर दिन में आप वीडियो अपलोड करते हैं, दिन दोपहर में अगर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका वीडियो पर मिनिमम व्यूज़ मिल सकता है। और लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों देखिए 5:59 PM यानी कि
शाम 6 बजे अगर वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो पर पूरी तरह व्यूज़ मिलता है। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी मोनेटाइजेशन है इस चैनल। अगर दोस्तों आपका नया चैनल है और अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं किया है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको इस चैनल से आइडिया लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आना है बैक, नीचे यहाँ पर दिख के एज, यानी कि किस एज का लोग आपका वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 से 24 ईयर्स का जो लोग है 35% लोग ज़्यादा देखते हैं, और 25 से लेकर 34 ईयर्स का लोग 42% लोग आपका वीडियो ज़्यादा देखते हैं, और यहाँ पर देखिए 35 से लेकर 44 ईयर्स के लोग 14% वीडियो देखते हैं। तो 14% लोग आपका वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एज का लोग है ये किस टाइम पर क्या काम करते होंगे शायद। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 24 ईयर्स के जो लोग हैं ज़्यादातर दिन में कॉलेज में होता है या स्कूल में होता है, और 25 से लेकर 34 ईयर्स के जो लोग होते हैं ज़्यादातर दिन में किसी ऑफिस में होता है या नौकरी में होता है, कुछ एक काम में ज़रूर होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप दिन में वीडियो अपलोड करोगे तो आपका वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखिए 35 से लेकर 44 ईयर्स के जो है यहाँ पर ओनली 14% लोग आपका वीडियो देखता है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि किस एज का लोग कितना वीडियो देख रहा है, यहाँ से आइडिया लेना है। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से आपका वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो चैनल जो है मोनेटाइजेशन है, और बिना मोनेटाइजेशन वाला जो चैनल है मैं अभी ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए सिंपली लोगो पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो मेरा जो नया चैनल है, मेरा नया चैनल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स जो है यहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल नया चैनल है, और यहाँ पर देखिए यूअर चैनल गॉट 120 व्यूज़ इन द लास्ट 28 डेज, यानी कि बिल्कुल नया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए टॉप वीडियोज़, यानी कि किस वीडियोज़ पर कितना व्यूज़ आया है यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जाना है ऑडियंस ऑप्शन पर। जैसे दोस्तों ऑडियंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक नहीं होता है, यानी कि मोनेटाइजेशन से पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए दोस्तों आप कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से आपका वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों उस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा व्यूज़ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप सवाल करते हैं कि किस टाइम पर, दोस्तों अगर आपका नया चैनल है और आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करके ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप वीडियो अपलोड करना है और YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने जो वीडियो अपलोड करते हैं यह वीडियो अपलोड करने का आपके लिए सही समय होता है शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर आप वीडियो अपलोड करना है। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम वीडियो अपलोड करने से कैसे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। दोस्तों इसलिए व्यूज़ ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि दोस्तों जो लोग दिन में कॉलेज जाते हैं या ऑफिस या नौकरी में जाते हैं ये लोग शाम 4 बजे घर वापस आते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप जब शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद दोस्तों बच्चा लोग भी आपका वीडियो देख सकते हैं और बूढ़ा लोग भी आपका वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए नया चैनल पर ज़्यादातर शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करना सही टाइम होता है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो चैनल मैंने मोनेटाइजेशन किया है उस चैनल पर मैंने लास्ट में इस तरह वीडियो अपलोड करके मेरा चैनल मैंने मोनेटाइजेशन किया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।